हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन लाइफ, आप सभी का स्वागत है। तो कंगना रनौत की मुश्किलें ख़त्म होती ही नहीं दिख रही हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत पर तो वैसे कई केस चलते रहते हैं, लेकिन एक केस जो है वो थोड़ा गंभीर है और काफ़ी समय से चल रहा है। इस बुरे केस को लेकर कंगना ने कई बार जो है अपनी याचिका दायर कर दी है, लेकिन कोर्ट इनकी इस याचिका को हमेशा कैंसिल कर देती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये केस किसके साथ है और किस वजह से है। दरअसल ये केस जो है ये बॉलीवुड के फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने इन पर किया है। जावेद अख्तर ने इन पर मानहानि का केस ठोका है। दरअसल कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को लेकर एक इंटरव्यू में ऐसी बात कर दी थी जिस पर ये केस पूरा उठा था। जावेद अख्तर ने इल्ज़ाम लगाया कि कंगना ने जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है और ऐसी अफवाहें फैलाने की कोशिश की है जो बिल्कुल भी सच नहीं है। अब इस पूरे केस को लेकर काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक कंगना जो है वो खुद फिज़िकली कोर्ट में नहीं आई है, और इसको लेकर अब कोर्ट ने फटकार लगाई है। उन्हें कहा है कि आपको खुद अब कोर्ट में आना पड़ेगा और आप सिर्फ अपने वकील को कोर्ट में नहीं भेज सकते हैं। आपको बता दें कि उनके वकील को ये समझाया गया है कि अब अगली बार आप अगर आएंगे तो अपने जो क्लाइंट हैं उनको साथ में लेकर आएंगे, और इसी के चलते जो है कंगना ने कई सारे कारणों की वजह से कोर्ट ना पहुँचने की दलीलें डाली हैं। लेकिन अब ये सारी दलीलें जो है लगता है काम नहीं करेंगी और कोर्ट का ये कहना है कि कंगना को कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा और इस पूरे मामले को तभी आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब से कंगना जो है ट्विटर से बाहर हुई, तब से जो है कंगना के FIR दर्ज होने का जो मामला है वो कम हुआ। इस बात का खुलासा खुद कंगना ने कपिल के शो पर हाल ही में किया, जहाँ उन्होंने बताया कि जब वे ट्विटर पर थी तो उन पर लगभग 200 से ज़्यादा FIR हर दिन दर्ज हुआ करती थी। कंगना जो है वो काफ़ी विवादित बयान देती रहती हैं और उनके बयानों के चलते कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा, और इसी के चलते ये सारी FIRें होती थी। हालांकि ये जो FIR है जावेद अख्तर सर के साथ वाली, ये काफ़ी समय से चल रही है, और इस FIR के चलते अब लगता है कि कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैर, अब फाइनली कोर्ट क्या डिसीजन लेता है इस पूरे मामले को लेकर, ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।